मंगलवार की सुबह पैर में गोली लगने से सनसनी मच गई। गोविंदा को उनकी ही बंदूक से गलती से गोली लगी, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और फिर उनके फैंस को जैसे ही ये बात पता लगी वो उनके लिए दुआ मांगने लग गए। जी हाँ, मंगलवार की सुबह गोविंदा के फैंस को तब बड़ा झटका लगा जब पता चला कि गोविंदा को गोली लग गई है। गोविंदा को सुबह करीब 5 बजे अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से पैर पर गोली लगी। उनके घुटने में चोट आ गई, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गए। खून बहने लगा, गोली अंदर ही फंस गई थी और उनके पैर से लगातार खून बह रहा था। इसके बाद आनन फानन में गोविंदा की बेटी और उनकी फैमिली डॉक्टर रमेश अग्रवाल उन्हें अस्पताल लेकर गए। अब डॉक्टर ने उनकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है और बताया है कि उनकी हेल्थ कैसी है। इतना ही नहीं, गोविंदा ने भी एक ऑडियो के जरिए बताया है कि उनकी हालत अब कैसी है। बता दें, डॉक्टर ने कहा वो मेरे पास सुबह 5 बजे आए थे, गोली उनके पैर में लगी थी, उसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया। उनका ऑपरेशन हो गया है लेकिन गोली भी निकल गई है, वो अब ठीक है। उन्हें 1 या 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। पैर में गोली कहाँ लगी, इस सवाल पर डॉक्टर ने कहा गोली उनके बाएं पैर के घुटने के थोड़े नीचे लगी है, गोली आर पार नहीं हुई थी, लगने के बाद अंदर ही अटक गई थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने आगे बताया कि उनकी बेटी टीना आहूजा उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गोविंदा के पैर में 8 से 10 टांके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह टांके नहीं लगाए जाते, अब स्टेपल के जरिए टांके लगाए जाते हैं। इसी के साथ गोविंदा ने ऑडियो शेयर करके ये भी बताया कि वो फिलहाल ठीक है और उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है।